हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है ऑनलाइन सेवा। दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो जो बताया था, यानी जो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था जिसका नाम था डे फर्स्ट लेक्चर वन, जिसमें हमने बेसिक फंडा ऑफ अकाउंट सीखा था, यानी अकाउंट से रिलेटेड वर्क करने के लिए जो हमें बेसिक आना जरूरी है, जो मैंने आपको टाइप ऑफ अकाउंट्स एंड गोल्डन रूल के बारे में बताया था, और मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिए थे ताकि आप लोग उस एंट्री की प्रैक्टिस करें और कमेंट बॉक्स में उसे डालकर दिखाएं कि आप लोगों ने सही किया है या नहीं किया। लेकिन कमेंट बॉक्स में अभी कोई भी ऐसा कमेंट नहीं आया, इसका मतलब आप लोगों ने अपनी सारी एंट्री बिल्कुल सही करी और आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं, यानी डे टू बट लेक्चर फर्स्ट। ओके, ध्यान रखिएगा, दिन दूसरा हो चुका है लेकिन लेक्चर अभी हमारा पहला ही चल रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को मैनुअल प्लस कंप्यूटराइज दोनों तरीके बताऊंगा कि हम किस तरीके से अकाउंटिंग मैनुअल और कंप्यूटराइज करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को कल बता दिया था कि टाइप ऑफ अकाउंट जो होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, और गोल्डन रूल भी बताया था मैंने आप लोगों को, डेबिट वर्ड्स कम इन, डेबिट वर्ड्स गोस आउट, डेबिट द रिसीवर, कैट द गिवर, और एक और बताया था जो कि नॉमिनल होता था हमारा, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम प्रॉफिट आर क्रेडिट। तो आई होप कि आप लोगों ने इसे अच्छी तरह याद किया होगा, वो भी लॉजिकल के साथ, ना कि रटन विद्या के साथ। तो आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो मैनुअल प्लस कंप्यूटर बताने वाला हूँ। तो जो हमारा अकाउंटिंग वर्क होता है ये दो तरीकों से किया जा सकता है। एक होता है मैनुअल और एक होता है कंप्यूटराइज। लेकिन आजकल मैनुअल ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, सबसे ज्यादा किसे इस्तेमाल किया जा रहा है, कंप्यूटराइज को। तो मैनुअल किस तरीके से करते हैं और कंप्यूटराइज किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि जब हम मैनुअल काम करते हैं तो हमें क्या क्या चीज बनाना पड़ता है। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले, अगर आप मैनुअल की बात करते हैं, मैं बता देता हूं, अगर आप, मैं इसे डिलीट कर देता हूं, पहले आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा आई होप। सबसे पहले हम मैनुअल की बात कर रहे हैं, तो मैनुअल में सबसे पहले जो हम करते हैं वो करते हैं जर्नल एंट्री, उसके बाद जो चलता है हमारा लेजर, उसके बाद लेजर के बाद हम क्या करते हैं, बुकें तैयार करते हैं जिसको कहा जाता है अकाउंटिंग में सबसिस्ट्री बुक, जिसके अंदर कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, बैंक बुक, यानी इस तरीके से दोस्तों हम अपने सबसिस्ट्री बुक तैयार करते हैं।
जब ये तीसरा स्टेप कंप्लीट होता है तो उसके बाद चौथे में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद पीएनएल और फिर लास्ट में हमारा बनता है बैलेंस शीट। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपना मैनुअल वर्क करते हैं, जो कि पूरा का पूरा रजिस्टर ही काम होता है, लेकिन आजकल इसका कोई इस्तेमाल नहीं करता, आजकल सब कंप्यूटराइज कर रहे हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि कंप्यूटराइज किस तरीके से करना है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। मैं अपने इस कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों के लिए अपने फर्स्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो चलिए कंप्यूटराइज की बात करते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटराइज बहुत तरीके से सॉफ्टवेयर पे, कई तरीके के ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पे अकाउंटिंग किया जाता है, जिसके अंदर सैप भी आता है, बीजी भी आता है और भी कई तरीके के ऐसे कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे अकाउंटिंग वर्क को काम करते हैं। लेकिन मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूं, वो बताने वाला हूं टैली, ERP 9, लेटेस्ट वर्जन 6.4। तो दोस्तों हम आज टैली ERP 9 6.4 के बारे में जानेंगे और इसमें किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं ये चीज भी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन टैली ERP 9 में वर्क करने से पहले आपको इस सॉफ्टवेयर को समझना होगा, तभी आप इस पे पूरी तरीके से काम कर पाएंगे, तभी आप इसमें पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरे टैली का आइकन, मैं इस टैली को ओपन कर लेता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, जब आप टैली ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक विंडो ओपन होगा टैली का, जिसमें आप ऊपर देख सकते हैं कि टैली ERP 9 है, इसको टाइटल बार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट, एक्सपोर्ट, मेल, अपलोड, टैली, इसको आप ऑप्शन भी कह सकते हैं कि ये ऑप्शन बार है। और साइड में जो राइट हैंड में आपके ये दिए हुए हैं, ये हमारे कुछ बटन होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं किसी ऑप्शन में जाने के लिए। तो दोस्तों ये हमारा टैली ERP 9 का सॉफ्टवेयर है। मैं माफी चाहूंगा, बीच में मैं रुक गया था क्योंकि मेरा एक कॉल आ गया था, लेकिन चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये टैली का, हाँ, हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं। टैली का इस्तेमाल ऑल ओवर इंडिया में 90% लोग करते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल अकाउंटिंग फील्ड में किया जाता है। और इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी और ऐसे कई कंट्रियां हैं जो हमारे इस टैली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। इनके इसका जो डेवलपर है वो हमारे इंडिया के ही हैं। तो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो टैली ERP 9 सॉफ्टवेयर का किया जाता है। तो ऊपर आप ये देख सकते हैं, इसको हम टाइटल बार कहते हैं, ये हमारा ऑप्शन बार है। फिर यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ देखिए करंट पीरियड है ये, और ये करंट डेट है। करंट पीरियड का मतलब होता है कि आप यहाँ देख सकते हैं 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, यानी जो मैंने अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया हुआ है इस टाइम पे, वो मैंने 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक का दिखाया हुआ है। करंट डेट का मतलब हो गया कि इसमें जो करंटली हमने कोई एंट्री पास करी है वो 1 अप्रैल 2018 को करी थी, लास्ट में जो हमने एंट्री करी थी, लास्ट एंट्री। यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेलेक्ट कंपनी है, यानी आपकी जितनी भी कंपनियां इस टाइम ओपन होंगी टैली में। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा, जो नए सब्सक्राइबर हैं या जो नए अकाउंटेंट हैं जिनको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, कि
लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी या नई कंपनी की बात कर रहे हैं तो टैली में दोस्तों सबसे पहले कंपनी बनाई जाती है। कंपनी कैसे बनाई जाती है वो मैं आपको इसी वीडियो में आज बता दूंगा। तो नेम ऑफ कंपनी है यहाँ पे देखिए चौहान एंड अकाउंटेंट एसोसिएट की कंपनी इस टाइम ओपन हुई है, यानी जितनी भी कंपनियां हमारी प्रेजेंटली ओपन होती है टैली में वो यहाँ पे सारी की सारी हाईलाइट हो रही होती हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ लास्ट एंट्री मैंने आपको बता ही दिया है कि लास्ट एंट्री जो हमने टैली में करी होती है उस डेट को ये यहाँ पे मेंशन करता है। इसके बाद यहाँ पे आपको वो अपडेटेड बताएगा कि अगर आप लोगों का कोई अपडेट होने वाला है या कोई नई रिलीज आई है तो वो यहाँ पे मेंशन होता रहता है। यहाँ पे लाइसेंस एंड सर्विस यानी आपका लाइसेंस नंबर शो कर रहा होगा, एक्सपायरी डेट शो कर रहा होगा और आईडी शो कर रहा होगा। दोस्तों जो एजुकेशन मोड पे वर्क करते हैं, अब कई लोगों के पास ऐसे ऑप्शन भी होंगे जो वो लाइसेंस मोड पे काम नहीं करते होंगे, वो एजुकेशन मोड पे काम करते होंगे। तो एजुकेशन मोड आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन उसमें और लाइसेंस वर्जन में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि डेमो में आप डेट चेंज नहीं कर सकते और लाइसेंस वर्जन आपको पूरी फैसिलिटी देता है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आता है और ये कैलकुलेटर है जिसका इस्तेमाल टैली में हम करते हैं, ज़्यादा नहीं करते इस्तेमाल लेकिन करते हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली जिसमें मास्टर ट्रांजैक्शन एनुअलिटी ऑडिट रिपोर्ट ये दिया हुआ है। मास्टर के दो पार्ट हैं, ट्रांजैक्शन के तीन पार्ट हैं, एनुअलिटी के दो पार्ट हैं, ऑडिट का एक पार्ट है और रिपोर्ट के भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 6 से 7 पार्ट दिए हुए हैं। अगर मैं इसे दोस्तों ड्रैग करके नीचे आऊं या फिर मैं ऊपर जाऊं तो आप देख सकते होंगे कि बीच बीच में रेड कलर मेंशन हो रहा है, यानी ये रेड हमको ये बताता है कि मैं इसका शॉर्टकट की हूं। जैसे कि इस टाइम पे मैं ऑर्डर वाउचर पे गया तो जो ये ई हाईलाइट हुआ है ये इसका शॉर्टकट कमांड है, यानी अगर मैं ई दबाता हूं तो डायरेक्ट ऑर्डर बुक में जा सकता हूं। दोस्तों इसी तरीके से अगर ए प्रेस करता हूं तो मैं अकाउंटिंग में चला जाऊंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये हमें गेटवे ऑफ टैली दिया हुआ है जिसमें काफी सारे ऑप्शन है और अगर मैं एक ऑप्शन को ओपन करता हूं तो उसके भी अलग अलग ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे आने वाले वीडियो में, क्योंकि अगर मैं आज ही आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, होशपोश हो जाओगे कि आखिर आज हुआ क्या है। तो ये टैली के कुछ ऑप्शन है दोस्तों जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अब चलिए मैं बात करता हूँ मेन मुद्दे की कि आज हम जो सीखेंगे अपने टैली ERP 9 सॉफ्टवेयर में वो सीखेंगे कंपनी क्रिएट करना, क्योंकि सबसे पहले टैली में कंपनी क्रिएट किया जाता है उसके बाद ही हम उसमें आगे एंट्री करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कंपनी के ऑप्शन में जाना होगा जो कि कंपनी इन्फो के नाम से टैली में कहलाता है और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Alt+F3। आप लोग इसे चाहो तो नोट डाउन करते रहिएगा, शॉर्टकट की जो होती है कंपनी इन्फो की वो होती है Alt+F3 या फिर राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे ये साफ लिखा हुआ आ रहा है, नीचे वाला जो एक लाइन होता है इसको ऑल्ट कहा जाता है और अगर दो लाइन होगा तो उसे कंट्रोल कहा जाएगा, सिंपल फंडा है। तो Alt+F3 में प्रेस करता हूं तो कंपनी इन्फो में मैं आ चुका हूं इस टाइम पे। इसके बाद आज हम कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे, तो सबसे पहले हम चलते हैं इस वाले ऑप्शन में क्रिएट कंपनी। ये सारे ऑप्शन में आपको बताऊंगा लेकिन सबसे पहले इस ऑप्शन को हम समझ लेते हैं। तो क्रिएट कंपनी पे जाके आप एंटर करेंगे तो आपके सामने कंपनी इन्फॉर्मेशन की सारी जो भी हमें ऑप्शन इसके अंदर डालना होता है क्रिएशन से रिलेटेड वो सारे का सारे यहाँ पे मेंशन होता है। तो नेम, आप किस नाम से अपना कंपनी इस टैली में बनाना चाहते हैं, तो मैंने लिखा है ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैंने ये डाला। उसके बाद मेलिंग नेम, अगर आपका मेलिंग नेम आपकी कंपनी के नाम पे ही है तब आप यहाँ पे मेलिंग नेम सेम रहने दीजिए और अगर कोई और नाम है तो आप यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं। एड्रेस, आपकी ये कंपनी कहाँ पे है, तो मैं जैसे यहाँ डालता हूँ फरीदाबाद। उसके बाद आप यहाँ चाहो तो प्रॉपर एड्रेस डाल सकते हो अपने कंपनी का। कंट्री, आप किस कंट्री में वर्क कर रहे हैं, तो मैंने इंडिया लिया। स्टेट, इंडिया में आप किस स्टेट में है, तो मैंने हरियाणा लिया। उसके बाद पिन कोड आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट अगर आप लोगों का है तो आप लोग यानी आपके कंपनी का। याद रखिएगा यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन डाली जाती है टोटली कंपनी इंफॉर्मेशन डाली जाती है, ना कि अपनी पर्सनल। सारा का सारा जो भी यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन फिल करेंगे वो सारा का सारा कंपनी से रिलेटेड होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बुक एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर बीइंग फ्रॉम, यानी आप
किस फाइनेंशियल ईयर में वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको फाइनेंशियल ईयर, आई होप क्लियर होगा, फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर हम कमा रहे होते हैं या जिस ईयर हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो उसको फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कहलाता है, और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 2018 तक कहलाता है दोस्तों। ठीक है, यानी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, बुक बिगनिंग फ्रॉम, यानी आप उस फाइनेंशियल ईयर में, जैसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है 1 अप्रैल 2018, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है, तो 1 अप्रैल 2018 के बाद और 31 मार्च 2019 से पहले मैं कब से अपना बुक बनाना स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप यहाँ पे वो डेट डालेंगे। अगर आप यहाँ 19 के बाद डालने की कोशिश करेंगे तो ये डेट नहीं लेगा। जैसे मैंने डाला कि मैं 10 5वां महीना 19 ले लेता हूं, तो देखिए ये आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं ले लूँ 10 5 18, तो देखिए ये आगे बढ़ गया। तो ये साफ साफ कहता है कि उस फाइनेंशियल ईयर में आप कब से अपनी बुक तैयार करना चाहते हैं। इसके बाद ये ऑप्शन आप रहने दीजिए, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, इस ऑप्शन को आप यस कर दीजिएगा। ये आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए कहेगा, जैसे हम अपना फेसबुक बनाते हैं या मोबाइल में यूजर आईडी पासवर्ड सेट करते हैं, इसी तरीके से टैली ये हमें कमांड देता है कि आप इसमें पासवर्ड लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते। तो नेम ऑफ एडमिनिस्टर में मैं ABC डाल देता हूं और पासवर्ड में 121001, अगेन 121001। जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये मुझे पॉपअप करेगा, यानी मुझे अलर्ट करेगा कि आप यहाँ पे वो पासवर्ड डालें जो आप याद रख सकते हैं या फिर कहीं पे मेंशन कर ले, क्योंकि एक बार अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आप कंपनी अपना ओपन नहीं कर सकते, इसीलिए ये हमें अलर्ट करता है। उसके बाद आप कुछ भी नहीं करेंगे, एंटर एंटर करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन मस्ट चेंज करिएगा, ये हमारे इस से रिलेटेड होता है, कंट्री से, यहाँ पे जो भी हम कंट्री सिलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे सिंबल, उसका नाम वगैरह सब आ जाता है। इसके बाद आप यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए सेव करने की शॉर्टकट की होती है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए मेरी कंपनी बन चुकी है, अभी हमसे नेम ऑफ यूजर और पासवर्ड डाल पूछ रहा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर सिक्योरिटी डाला था, तो मैं ABC इसका यूजर बनाया था मैंने, और पासवर्ड मैंने डाला था 121001। तो देखिए मेरी ये कंपनी ओपन हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी में पहले मेरा एक ही नाम मेंशन हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे दो नाम मेंशन हो रहे हैं। तो लिस्ट ऑफ कंपनी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए जो हाईलाइट हो रहा है, यानी जो हाईलाइट होता है डार्क कलर में, वो कंपनी ओपन होती है टैली में करंटली, और जो हाईलाइट नहीं होता यानी वो कंपनी ओपन तो है लेकिन उसको अभी हमने करंटली क्लोज किया हुआ है, यानी हाइड किया हुआ है, ओपन नहीं किया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे लाइक करें। हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, यानी नेक्स्ट जो हमारा तीसरा लेक्चर होगा उसके अंदर सीखेंगे कि कंपनी को किस तरीके से डिलीट करते हैं, उसका बैकअप किस तरीके से लेते हैं, उसे किस तरीके से रिस्टेट करते हैं, और अगर हमें कंपनी इन्फॉर्मेशन में कुछ चेंजेस करने हों तो उसे हम किस तरीके से करते हैं, वो हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े सब्सक्राइब करके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच।